गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आप लोग ने दिवाली वेकेशन को एंजॉय किया होगा, कुछ मिठाई विठाई वगैरह खा लिया एंजॉय करके खुशी से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अभी वी विल बी बैक टू अवर स्टडीज। आज के बाद आपका पहला लेक्चर शुरू हुआ है, तो ये आपका इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर है, यूनिट 3 लेसन नंबर 18 ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप, व्हाट डू मीन बाय ग्रोइंग अप? बढ़ना, बढ़ते जाना। बच्चा जब पैदा होता है तब कैसे रहता है, धीरे धीरे तो बड़े बड़े होते जाते ना। अभी आपके जैसे उम्र के बच्चे उस इसमें आ गए जहाँ पे 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे, तो फिर धीरे धीरे आप उससे भी बड़े होते जाओगे, आपका उम्र बढ़ता जाएगा। देन यू ग्रोन अप टू अ मैन, एक यंग मैन या यंग लेडी के रूप में आप ग्रोन अप हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट ग्रोइंग अप, बढ़ना। मिस्टर थॉमसन फ्रॉग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रॉग। एक फ्रॉग, ये जो छोटा सा पोयम है ये फ्रॉग से रिलेटेड है, फ्रॉग के बारे में। लिटिल टॉमी टैडपोल बिगेन टू वीप एंड वेल फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल एट लॉस्ट लिटिल टेल। अभी लिटिल टॉमी टैडपोल, अगर आपने इसका फ्रॉग का बच्चे को देखा है जो छोटा है पानी, वो दिखने को ऐसे दिखता है, ऐसे पूछ जैसे, उसका आकार कुछ ऐसे होता है। नॉर्मल जो बड़े फ्रॉग होते हैं उसके जैसा नहीं दिखता है, उसके बच्चे ऐसे नजर आते, तो इट इज़ अ टेल। तो लिटिल टॉमी टैडपोल बिगैन टू वीप एंड वेल फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल एट लॉस्ट इज लिटिल टेल। ये लिटिल टॉमी टैडपोल क्या कर रहा था, ये बिगैन टू वीप मतलब रोने लग गया और बड़े बड़े जोर से आवाज़ें निकालने लगा दर इसकी रोते रोते। फॉर क्यों? क्योंकि उसने अपना पूंछ खो दिया। एट लॉस्ट इज लिटिल टेल मतलब पूंछ खो जा, लॉस मतलब खो जाना। तो वो क्या बोल रहा है कि उसका पूछ खो गया। एंड हिज मदर डिडंट नो हिम एज ही वेप्ट अपॉन ही लॉ। वो देखिए इधर सीधर, दिस इज लिटिल टॉमी टैडपोल, ये स्वीपिंग हो रहा है वहाँ पे ऐसे निकल निकल के, क्योंकि उसकी पूछ खो गई। उसकी माँ उसको पहचान नहीं पा रही है बिकॉज वो चेंज हो चुका है। फॉर ही वॉजेंट टॉमी टैडपोल बट मिस्टर थॉमसन फ्रॉग। क्योंकि हर एक इंसान हो, जानवर हो, जो भी जीव जंतु हो, उसमें बदलाव आता है वक्त के अनुसार। जैसे वक्त बदलता बढ़ता चेंज होता जाता है, या साले दिन निकलते जाते हैं, उसमें एक सुधार ये ग्रोथ सा आ जाता है। तो नेचुरली जो बच्चा है टैडपोल जो दिखने में पहले ऐसे थे, वो नेचुरली जब जैसे ही दिन गुजरता जाता है वो ऐसे के वैसे ही नहीं रहेगा, उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये फ्रॉग में भी चेंजेस आ गए, वो बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो उसकी पूंछ गायब हो गई, पूंछ नज़र नहीं, तो उसे काफ़ी डर लगने लगा, वो रोने लगा कि उसकी पूंछ खो गई, उसे लोग मजाक उड़ाएंगे, ऐसा करके वो रोने लग गए। तो उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाई, नहीं कि नेचुरली चेंज होने के बाद थोड़ा सा बदलाव आने के बाद थोड़े अनजान से हो जाते, मतलब अलग लगने लगते। आप लोग भी अभी ऐसे हो, कुछ सालों बाद आपको हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका चेहरे में थोड़ा सा काफ़ी सारा चेंजेस आ जाएगा। आपका लुकिंग में चेंजेस होगा, आपका हाइट में चेंजेस, आपका बिल्ट में चेंजेस होगा, एवरीथिंग। तो ये चीज़ हम लोग क्या आपको पहचान नहीं पाएंगे कि ये हमारे वही स्टूडेंट। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, दिस इज जस्ट चेंजेस। ये चेंजेस ज़रूरी होता है लाइफ में, हर एक चीज़ जो जीव जंतु इंसान है जो भी है, देयर इज ऑलवेज अ चेंजेस इन देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ, एंड इट शोज दैट यू आर ग्रोइंग। आप ये चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें पता चलता है कि आप बढ़ रहे हैं। पहले आप छोटे बच्चे थे तो आप कैसे थे, उसके बाद आप कैसे दिखने लगे, अभी आप कैसे दिख रहे हो, आगे चल के कुछ सालों बाद आप कैसे लगोगे, दैट शोज दैट यू आर ग्रोइंग अप। एंड नेचुरली देयर आर मेनी चेंजेस व्हाइल यू ग्रो। तो जैसे आप ग्रो हो पाते हो ना, आप में चेंजेस होते हैं। वैसे ही टैडपोल भी ऐसे है, जब छोटा था तो वो पूछ थी उसको, और जब वो बड़ा होने लगता है, ग्रो जवान होता है, तो नेचुरली उसकी पूछ निकल जाती है और वो बड़े फ्रॉग जैसा हो गया। तो पहले वो टॉमी टैडपोल था, टॉमी के नाम पे जाना जाता था, अभी वो मिस्टर थॉमसन फ्रॉग के नाम पे जाना जाता है। आप लोग को भी पता होगा, बच्चे जब छोटे रहते तो माँ पापा मम्मी पापा वगैरह लगाव से आपको एक अलग सा पेट नेम दे देते, बाद में वो पेट नेम चला जाता, फिर आपको आपके नाम से ही जाना जाता। तो ये क्या, एज के हिसाब से जब आप बड़े रहते तो आप में वो भी चेंजेस आ जाते। तो दैट इज़ व्हाट ये दिखाया जा रहा है कि जब वो पहले छोटा था तो यूज़ टू से लिटिल टॉमी टैडपोल,
अब वेन इट गोस अप तो उसको मिस्टर थॉमसन फॉल, जैसे आप लोग भी बड़े हो जाएंगे, अगर आप लड़के लोग लड़के हो तो आप लोगों को मिस्टर कहा जाएगा, लड़कियाँ रहेगी तो मिस, अभी मास्टर है, बच्चा है, स्टूडेंट है, वील से दैट वे। अभी नेक्स्ट पोएम पे आते हैं द बटरफ्लाई। ओके अभी ये भी एक छोटा सा पोएम है बटरफ्लाई से रिलेटेड। द फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन ए लीफ मेड हरसेल्फ ए क्रिसालिस एंड देन फेल एस्लीप। द फजी लिटिल कैटरपिलर, आप बटरफ्लाई के पहले जो जो उसका स्टेप आप लोग ने देखा होगा कैटरपिलर कीड़े, तो कैसे वो अपने पत्तों के अपने को लपेट के वहाँ उस पर सो जाता है। सी दे हैज शोन दैट द फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन ए लीफ मेड हरसेल्फ ए क्रिसालिस एंड देन फेल एस्लीप। क्रिसालिस बोलते हैं उसकी बटरफ्लाई के जो चार स्टेप्स होते हैं, आप लोग ने इसमें पढ़े होंगे साइंस में ईवीएस में कैटरपिलर का ये लाइफ साइकिल, तो उसमें आपको पता चलेगा। ओके तो फॉर द फर्स्ट लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन ए लीफ, कर्ल्ड मतलब अपने आप को पत्ते में लपेट के वहाँ पे वो आराम करता है वो कैटरपिलर। मेड हरसेल्फ ए क्रिसालिस एंड देन फेल एस्लीप व्हाइल शी वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रही थी व्हाट शी ड्रीम्ड दैट शी कुड फ्लाई एंड लेटर व्हेन शी वोक अप शी वॉज ए बटरफ्लाई। वो जब सो रही थी तो उसको सपने में क्या आया कि वो उड़ सकती है, जब तो सपने से उठ के देखती है तो वाकई वो उड़ सकती है, और उसमें वो कीड़े से लेके वो कहाँ पे टर्न हो गई, एक बटरफ्लाई के रूप में टर्न हो गई। ओके दैट इज़ व्हाट द पोएम, यानी इसमें भी आपको दिखाया जा रहा है कि बटरफ्लाई का ग्रोथ है। बटरफ्लाई पहले कीड़े रहते हैं जो पत्ते में लपेट के अपने आप को ये करके वहाँ पे रहता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते बटरफ्लाई का रूप ले लेता है, दैट शोज द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर। तो वैसे ही है इस पोएम में भी ऐसा ही है, कीड़े क्या सोचता है सपने में कि वो उड़ सकता है, जब नींद से उठ जाता है तो वाकई वो उड़ने लायक बन जाता है, यानी उसकी ग्रोथ हो चुकी है, नाउ इट इज़ कम्प्लीटली अ बटरफ्लाई, वो जस्ट कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर ओवर द फ्लावर्स। ओके द फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन ए लीफ मेड हरसेल्फ ए क्रिसालिस एंड देन फेल एस्लीप While she was sleeping, she dreamt that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. तो ये है पोएम है ग्रोइंग अप, मतलब ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, हर एक जीव जंतु इंसान एवरीथिंग इसकी रियलिटी है, दैट ग्रोइंग अप देयर इज मैनी चेंजेस आफ्टर यू ग्रो अप एंड दिस पोएम शोज द ग्रोथ ऑफ द एवरीथिंग। नाउ इट इज इन दिस वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉग एंड बटरफ्लाई, तो ये रियलिटी है एक लाइफ की जो जिंदा है जो विच शोज द ग्रोथ। ओके मेरा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स वगैरह दिए गए हैं आप पढ़ सकते हैं। सी फजी का मतलब कवर्ड विथ सॉफ्ट फाइन हेयर दैट स्टिक्स अप, उसके जो कोकून जैसे रहते हैं उसमें एकदम पतले से ही रहता है, एकदम चिप चिप जो हाथ में हम लोग छूते तो चिकट चिपकने लगता है अपने हाथ में, दैट्स ऑफ स्टिक्स फाइन हेयर्स। क्रिसालिस स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, क्रिसालिस का मतलब होता है एक स्टेज होता है, मैंने बताया चार स्टेज होते हैं आपके बटरफ्लाई के, तो उसमें से एक स्टेज ये भी होता है। इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ द हार्ड केस इन विच कैटरपिलर लाइज स्टिल इन अ ट्रांसफॉर्म इन द बटरफ्लाई, यानी एक आर्ड केस की तरह होता है वो क्रिसालिस, जिसके अंदर जो बटरफ्लाई जो यंग रहता है कीड़ा जो रहता है उसके अंदर आराम करता है, उसका आउटर जो पोर्शन रहता है कड़क सख्त रहता है फॉर इट्स सेफ्टी। टैडपोल ए स्टेज इन द लाइफ ऑफ ए फ्रॉग और ए टोड, टैडपोल का मतलब वही होता है जो छोटा फ्रॉग होता है, जो बच्चा फ्रॉग रहता है उसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं। एट फर्स्ट ए टैडपोल हैज ए लॉन्ग टेल बट नॉट आर्म्स और लेग्स, जब वो छोटा बच्चा रहता है टैडपोल रहता है फ्रॉग, तो उसके पूछ रहते हैं पर उसके हाथ और पैर नहीं होते, जब वो बड़ा होता है ग्रोथ होता है यंग हो जाता है तो उसके हाथ पैर वगैरह आ जाते हैं और उसकी पूछ गायब हो जाते। ओके दिस इज़ व्हाट द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स। थैंक यू।